संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को देश भर में मनाई जाती है। बाबा साहब देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से की ही नहीं जा सकती। उन्होंने भारत की आजादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बाबा साहब ने हमेशा से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए काम किया है। बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ा था। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय की बात करें तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सतपाल था, वहीं उनकी माता का नाम भीमाबाई था। बताते चले कि डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे, ऐसे में उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। आज के इस जयंती को जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने का काम किया है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद किया और ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत के सर्वसमावेशी संविधान के शिल्पकार, उत्कृष्ट विधिवेता, अशक्त शोषित और वंचित समाज के प्रखर स्वर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। साथ ही उन्होंने लिखा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के अनुगमन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हैशटैग सामाजिक न्याय का संकल्प भलीभूत हो रहा है। आइए सामाजिक न्याय पखवाड़ा और बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के विचारों को जन जन तक पहुँचाने हेतु संकल्पित हों। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें उनके अनुयायियों की ओर से सत सत नमन व हार्दिक श्रद्धा सुमन। करोड़ों कमजोर व उपेक्षित वर्ग तथा मेहनत कश समाज आदि के हित व कल्याण के प्रति उनके महान व ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी व कृतज्ञ रहेगा।